दोस्तों MST जिसे मंथली सीजन टिकट कहा जाता है, MST को वो यात्री निकालते हैं जो डेली बी वीकली ट्रैवलिंग ट्रैवल करते हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, जैसे कि अप डाउन। इस वीडियो में हम डिटेल से MST के बारे में जानने वाले, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्वयं पर। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया जानते हैं। तो दोस्तों, MST ये एक मंथली ट्रेन पास है जो पैसेंजर्स को अलाउ करती है ट्रेन ट्रैवलिंग के लिए एक महीने में मल्टीपल टाइम। दोस्तों, MST से आप एक मंथ में अनलिमिटेड टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, जिस भी स्टेशन से MST बना हो वहाँ से और जिस भी स्टेशन तक बना हो वहाँ तक। दोस्तों, MST का एक फायदा, आप MST के बिटवीन स्टेशन पर भी ट्रेवल कर सकते हैं, ये एक फायदा है। एग्जांपल के लिए मान लो गोंदिया से नागपुर की MST मैंने बनाई है, इनमें जो भी बीच के स्टेशन है वहाँ तक भी आप MST से ट्रेवल कर सकते हैं। दोस्तों, MST सबर्बन ट्रेन और नॉन सबर्बन ट्रेन जैसे कि पैसेंजर्स, मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन की ही बनती है, बाकी किसी भी ट्रेन की नहीं बनती है। जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस हो गई, जन शताब्दी एक्सप्रेस हो गई, शताब्दी एक्सप्रेस हो गई, अन्य ऐसी जो ट्रेन होती है उनकी नहीं बनती है। सीजन टिकट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बनती है। दोस्तों, सीजन टिकट का मैक्सिमम डिस्टेंस 150 किलोमीटर तक का ही होता है। ज्यादातर लोग देखा जाए तो मंथली सीजन टिकट ही बनाते जिसे हम MST करते हैं, और नॉन सबर्बन में देखा जाए तो सबर्बन नेटवर्क में क्वार्टरली, हाफ ईयरली तक बनाते लोग इसकी सीजन टिकट, कम ही लोग ईयरली सीजन टिकट बनाते हैं। दोस्तों, MST बनाने की जो प्रोसेस होती है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होती है। ऑनलाइन में MST बनाना हो तो रेलवे की UTS ऐप है जो सबर्बन और नॉन सबर्बन दोनों के लिए वर्क करती है। और ऑनलाइन MST कैसे बनाई जाती है इसकी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, तो लिंक उसकी मैं आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी आपको दे दूंगा। बाकी दोस्तों, ऑफलाइन में आपको टिकट काउंटर पर जाकर एक फॉर्म मिलेगा, उसे फिल करके बनाना पड़ेगा टिकट काउंटर के क्लर्क से। दोस्तों, दोनों वेज में आपको कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, स्टूडेंट आईडी कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटो, इनमें से कोई भी एक आईडी कार्ड लगेंगे। दोस्तों, ऑफलाइन में एक फोटो भी लगेंगे। फोटो से सीजन टिकट का एक आईडी कार्ड बनेगा और एक टिकट बनेगा, दोनों एक साथ एक प्लास्टिक कवर में आपको रखना पड़ेगा, तभी वो वैलिड रहेगा। दोनों में से एक है तो MST वैलिड नहीं होंगी। दोस्तों, आपको MST रिन्यूअल भी करा सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से। सबर्बन ट्रेन के लिए सेकंड और फर्स्ट क्लास की सीजन टिकट बनती है, बल्कि नॉन सबर्बन ट्रेन के लिए ओनली सेकंड क्लास की सीजन टिकट बनती है। सबर्बन में ऑर्डिनरी और ACME ट्रेन की अलग अलग सीजन टिकट होती है, बल्कि नॉन सबर्बन में ऑर्डिनरी, मेल एक्सप्रेस और सुपरफास्ट की सीजन टिकट बनती है। दोस्तों, आपने अगर ऑर्डिनरी ट्रेन या एक्सप्रेस ट्रेन की MST लिए हो बट आपको किसी सुपरफास्ट से जाना है, तो आप सुपरफास्ट का सरचार्ज लेकर सुपरफास्ट ट्रेन में भी ट्रेवल कर सकते हैं सेम MST से, बट सरचार्ज उस एक ट्रेन के लिए ही वैलिड होता है, यानी एक जर्नी के लिए ही वैलिड होता है। और तो और दोस्तों, आप सीजन टिकट से सुपरफास्ट सरचार्ज लेकर 325 किलोमीटर तक की जर्नी भी तय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोंदिया से बटनेरा तक का जो डिस्टेंस होता है आप वहां तक ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपके MST नागपुर तक है तो नागपुर से बटनेरा का जो सरचार्ज जो बनेगा वो वैलिड रहेगा, और सरचार्ज सिर्फ टिकट काउंटर पर ही मिलेगा। अब दोस्तों, मेन सवाल यह है कि क्या हम MST लेकर स्लीपर या AC कोच में ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, AC कोच में तो ट्रैवल नहीं कर सकते, बट स्लीपर में कुछ केसेस में ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि स्लीपर में TTE के मोड पर डिपेंड करता है, वो आपको अलाउ करता है या नहीं, बट मैक्सिमम TTE अलाउ कर ही देते हैं। बट MST स्लीपर में इनवैलिड होती है, तो आप स्लीपर क्लास में MST से नहीं जा सकते। दोस्तों, MST से स्पेशल ट्रेन में बैठ सकते हैं या नहीं, ये भी एक सवाल होता है। तो दोस्तों, हाँ, आप स्पेशल ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। सितंबर 2021 से इंडियन रेलवेज ने MST होल्डर्स को स्पेशल ट्रेन के नॉन रिजर्व कोच में भी ट्रैवल करने की अलाउ किया है, जैसे कि जननायक एक्सप्रेस, जनसाधारण एक्सप्रेस और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की 17 स्पेशल ट्रेन भी इनमें शामिल है। दोस्तों, आप समर स्पेशल, होली स्पेशल, गणपति स्पेशल, दिवाली स्पेशल, ऐसी और भी अन्य ट्रेन में MST लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। वेंडर्स के लिए ट्रेन में ट्रैवल करना फ्री होता है या नहीं, ये भी काफी अच्छा खासा सवाल है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवे, जो पेंट्री कार के वेंडर्स होते हैं जिन्हें ISAT हैंडल करती है, वो फ्री में ट्रैवल करते हैं एंड टू एंड ट्रेन में। बट जो विदाउट पेंट्री वाले वेंडर्स होते हैं, उन्हें वेंडर शिप्स या कैटरिंग का वैलिड लाइसेंस लेना होता है, उन्हें रेलवे 125 किलोमीटर तक का अलाउ करती है। बट जो अनऑथोराइज वेंडर्स होते हैं, हॉकर्स होते हैं, उन्हें अलाउ नहीं करता है रेलवे। दोस्तों, उन्हें RPF वाले ट्रेन से उठा देते हैं या उन्हें फाइन लगा देते हैं। ट्रेन में फ्री MST से साथ भी वो चुपके से चढ़ते हैं, लेकिन ट्रेन में जिन्हें कभी भी TTE या RPF फाइन कर ही देते हैं। अब लास्ट सवाल ये है, स्टूडेंट्स के लिए MST फ्री होती है या नहीं। दोस्तों, हाँ, स्टूडेंट्स के लिए MST फ्री होती है जिसकी एलिजिबिलिटी यह है, जैसे कि बॉयज स्टूडेंट्स को अप टू 10th क्लास तक और गर्ल्स स्टूडेंट्स को अप टू 12th क्लास तक फ्री MST मिल सकती है। ओनली MST मिलती है फ्री
MST नहीं। दोस्तों MST सिर्फ 150 किलोमीटर तक एसी होती है और MST ओनली सेकंड क्लास के लिए ही वैलिड होती है। इस MST के लिए स्टूडेंट का स्कूल दूसरे सिटी में होना चाहिए जहाँ तक स्टूडेंट MST के लिए अप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल गोंदिया का स्टूडेंट है वो जो नागपुर के स्कूल में पढ़ता है तो MST मिल सकती है, बस स्कूल उसके स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक हो, चाहे फिर 10 किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर हो, 50 किलोमीटर हो, 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर तक हो। स्टूडेंट को ये MST टिकट काउंटर पर स्टूडेंट कंसेशन फॉर्म भरकर मिलेंगी, जिसके लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट, स्टूडेंट ID कार्ड इत्यादि डॉक्यूमेंट्स जो स्कूल से रिलेटेड हो वो मांग सकते हैं क्लर्क जो टिकट काउंटर पर बैठा होता है वो। तो दोस्तों ये रही MST की सारी इन्फॉर्मेशन, और भी कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर करें, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। वीडियो कैसे लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।